आप लोग का न्यूज ऑफ द डे में मेरा नाम है राजेश रंजन। दोस्तों रोज की तरह आज भी आया हूँ आप लोग के लिए एकदम जबरदस्त न्यूज लेके। दोस्तों मनीष सिसोदिया 5 महीने बाद जेल से बाहर निकले हैं पर उनको मात्र 6 घंटे की मोहलत मिली है। आप नेता से मिलने की भी मनाही है। बीमार पत्नी से मिलने के लिए कोर्ट ने 6 घंटे का मोहलत दिया। किसी भी आम आदमी पार्टी के नेता से नहीं मिल सकते हैं मनीष सिसोदिया और किसी भी पॉलिटिकल इवेंट में नहीं शामिल हो सकते इस 6 घंटे के दौरान। तो दोस्तों बात करेंगे इस पर, बने रहिए वीडियो में। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। जैसा कि मैंने बताया कि मात्र 6 घंटे के लिए कोर्ट ने उन्हें बीमार पत्नी से मिलने के लिए इजाज़त दी है और इसके बीच में किसी पॉलिटिकल इवेंट या आम आदमी पार्टी के किसी भी नेता से वो नहीं मिल सकते। दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया शनिवार को 11 नवम्बर सुबह 10 बजे पत्नी सीमा से मिलने के लिए घर पहुंचे हुए शाम को 4 बजे तक रहेंगे। उसके बाद उन्हें वापस तिहाड़ जेल जाना होगा। सिसोदिया ने 9 नवंबर को राव एवेन्यू कोर्ट में याचिका कर पत्नी बीमार पत्नी से मिलने के लिए 5 दिन का समय मांगा था। कोर्ट ने उन्हें केवल एक दिन के लिए पत्नी से मिलने की इजाज़त दी, वो भी 6 घंटे। कोर्ट ने मनीष को निर्देश दिया कि इस दौरान वो मीडिया या किसी अन्य राजनेता से नहीं मिलेंगे या कोई बयान जारी नहीं करेंगे। इससे पहले 2023 में गिरफ्तारी के 103 दिन बाद घर आए थे मनीष सिसोदिया। जिस घर में पहुंचे वहां फिलहाल वर्तमान दिल्ली के शिक्षा मंत्री आतिश रहती है। मनीष के इस्तीफे के बाद यह घर आतिश को अलॉट कर दिया गया है। दोस्तों उन्हें लंबे समय से जेल में रखा जा रहा है। मनीष सिसोदिया की पत्नी सीमा सिसोदिया मल्टीपल बीमारी से, दोस्तों बहुत सारी की बीमारी से ग्रसित है और इसे एक न्यूरोलॉजिक सर्जन के यहाँ वो लंबे समय से इलाज कराती आई। इसमें दिमागी नसों की दोस्तों प्रॉब्लम उनको है और उसके कारण वो लंबे समय तक जीवित भी नहीं रहेगी, ऐसा सुनने में आया है। जून में जब वह घर पहुंचे थे तो पत्नी हॉस्पिटल में थी। जून में जब सिसोदिया अपनी पत्नी से मिलने के लिए परमिशन मिली तब उसे वो नहीं मिल सके थे। सिसोदिया घर पहुंचने से पहले उनकी पत्नी की तबीयत खराब हो गई थी जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। कोर्ट ने उन्हें हॉस्पिटल जाने की परमिशन नहीं दी, इसी वजह से जमानत मिलने के बावजूद सिसोदिया अपनी पत्नी से नहीं मिल सके। 7 घंटे के बाद वापस तिहाड़ जेल पहुँच गए थे। 259 दिन से जेल में सिसोदिया सुप्रीम कोर्ट से जमानत की कई बार गुहार लगा चुके हैं पर उन्हें जमानत नहीं मिली है। शराब नीति घोटाले में मनीष सिसोदिया सीबीआई ने 26 नवंबर को गिरफ्तार किया था। सिसोदिया 1 मार्च 2023 को दिल्ली के डिप्टी सीएम पद से इस्तीफा दे दिया, उसके बाद वो तिहाड़ जेल में ही कैद हैं। 259 दिन तक जेल में रहे हैं और 2 बार मात्र उन्हें पत्नी से मिलने की इजाज़त मिली है। 30 अक्टूबर को सिसोदिया की जमानत सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस भट्टी की बेंच ने कहा कि घोटाले से जुड़े कई सवालों के जवाब अभी नहीं मिले हैं जिससे 338 करोड़ रुपए का लेन देन हुआ है, इसमें सिसोदिया की भूमिका संदिग्ध लग रही है। तो दोस्तों आम आदमी पार्टी की मुश्किलें बिल्कुल कम नहीं होती नजर आ रही है। अरविंद केजरीवाल पर भी घेराबंदी है। मनीष सिसोदिया, संजय सिंह और भी कई नाम हैं आम आदमी पार्टी के लिस्ट में जिन्हें की गिरफ्तारी जिनकी हो सकती है। सबसे मेन प्रमुख हैं उनके दोस्तों अरविंद केजरीवाल, जिन्हें कि कई बार ईडी ने समन भेजा है। आने वाले समय में हो सकता है कि अरविंद केजरीवाल को भी गिरफ्तार किया जाए। वहीं पंजाब के मुख्यमंत्री मान पे भी तलवार लटकी हुई है। तो दोस्तों आप लोग को कैसा लगता है मेरा न्यूज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मनीष सिसोदिया से जुड़ी कोई आपको पास अगर जानकारी हो तो वो भी साझा करें और इसमें कुछ और भी अपडेट हो तो वो भी ज़रूर हमें बताएं और मैं इस तरीके का वीडियो आप लोगों के लिए लाते रहता हूँ। और चैनल पे आप लोग अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए। अच्छा लगता है मेरा वीडियो तो अपने फ्रेंड और फैमिली तक शेयर कीजिए। मिलते हैं दोस्तों किसी और टॉपिक के साथ किसी और वीडियो में। नमस्कार।